के रिश्तेदार के 120 बेड वाले अस्पताल का बिना मानक के पंजीकरण का नवीनकरण कराने का दबाव बनाकर सीएमओ को हड़का रहे हैं। दरअसल अस्पताल की जांच करना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थों को भारी पड़ गया। हम आपको बता दें कि पूरा मामला भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के पुखराया का है, जहाँ से सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक विनोद कटियार ने पिता के ट्रस्ट प्रमिला कटियार चैरिटेबल एंड एजुकेशन वेलफेयर के माध्यम से पुखराया में पीवीएपी नाम से 120 बेड वाले अस्पताल का संचालन महज कागजों पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुखराया या उसके आसपास पीवीएपी नाम से कोई भी अस्पताल संचालित नहीं हो रहा है। और इसका खुलासा तब हुआ जब विधायक विनोद कटियार ने कागजों पर चल रहे अपने 120 बेड के अस्पताल के पंजीयन के नवीनीकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवेदन पत्र भेजा, और जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी हीरा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करने भेजा, जो विधायक और उनके परिजनों को नागवार गुजरा। सीएमओ साहब, भोगनीपुर विधायक का एक हॉस्पिटल जो पहले पीवीएफ के नाम से हुआ करता था, आज आपके यहाँ रिन्यूअल को आया है जो वीपीएन के नाम से। पीबीएफ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर कालपी रोड बुखराया 120 बेड के नाम से तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभवतः डॉक्टर आर ए सिंह के टाइम कार्यकाल का है ये, और इसका लाइसेंस जो है 24/2/2016 में दिया गया था। हाँ विधायक जी, दबाव में यही दबाव बना रहे थे कि हमारे 120 बेड के चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर का, जो कि कानपुर देहात जनपद में सबसे बड़ा चिकित्सालय है, उसका बिना स्थलीय निरीक्षण के लाइसेंस रिन्यूअल लाइसेंस जारी कर दिया जाए, जो हमने मना कर दिया, और मना करने पर वो कुपित हो गए। उन्होंने उनके द्वारा और उनके तथाकथित करीबियों द्वारा और उनके तथाकथित रिश्तेदार जो उनके बहनोई बताए जाते हैं उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। भाजपा विधायक विनोद कटियार की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पीवीएपी नाम से अस्पताल का संचालन साल 2015 से हो रहा है, लेकिन पीवीएपी अस्पताल अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया और न ही किसी ने अस्पताल का नाम सुना है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली से यह अस्पताल केवल कागजों में चलता रहा। और इतना ही नहीं, 31 जुलाई 2015 को विधायक विनोद कटियार के पिता द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिए आवेदन पत्र के साथ हलफनामे में अस्पताल के संचालन की बात स्वीकार की है, और जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अस्पताल का संचालन बिना परमिशन के हो रहा था, लेकिन अस्पताल के निरीक्षण कराए बिना तत्कालीन कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर एस सिंह ने 24 फरवरी 2016 को 120 बेड के पीवीएपी अस्पताल के संचालन को परमिशन दे दी, जो अभी तक मात्र कागजों में चल रहा है। वहीं इस मामले में जिले के वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी हीरा सिंह की माने तो 31 जुलाई 2015 में 120 बेड के पीवीएपी अस्पताल का संचालन कराने के लिए आवेदन किया गया था, और जिसे तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर ए सिंह ने 24 फरवरी 2016 को अस्पताल संचालन की परमिशन दी थी। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि जब 2015 में आवेदन किया गया, उस समय जो अस्पताल संचालित बताया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन परमिशन 2016 में होती है और 2015 में वो संचालित बताया जाता है, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की चूक नहीं है? चूंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूंकि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर ए सिंह के कार्यकाल का है। किन परिस्थितियों में उनके कार्यकाल में ये चिकित्सालय संचालित रहा, ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी जाँच कराई जाएगी। कागजों में चल रहे अपने पीवीएपी अस्पताल के नवीनीकरण के लिए विधायक विनोद कटियार ने और उनके पिता ने जुलाई 2018 को स्वास्थ्य विभाग को वीपीएन हॉस्पिटल नाम से आवेदन पत्र भेजा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास अस्पताल के नाम बदलने की कोई सूचना नहीं है। और इतना ही नहीं, प्रमिला कटियार चैरिटेबल एंड एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी नथु सिंह कटियार द्वारा अस्पताल के पंजीयन और नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र के हस्ताक्षर अलग अलग हैं। दोनों हस्ताक्षर किसी भी तरह से मेल नहीं खा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हीरा सिंह ने मामले की जांच कराने की बात कहते हुए स्वास्थ्य विभाग का बचाव किया है। अब इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी कोई नाम परिवर्तन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
किन परिस्थितियों में इनके द्वारा नाम बदला गया, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी हमारे यहाँ कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। अब इसमें कौन हस्ताक्षर असली है कौन नकली है, इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम। हाँ, हस्ताक्षर देखने में अलग प्रतीत होते हैं दोनों सभापतियों में। वही विधायक विनोद कटियार द्वारा अस्पताल के नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हीरा सिंह ने निर्देश के बाद डिप्टी सीएमओ और महेंद्र जटारिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहां अस्पताल की बिल्डिंग और फर्नीचर बनाने का काम तो होता हुआ दिखा, उन्हें अस्पताल संचालित नहीं मिला। और डॉक्टर एम के जतारिया द्वारा संयुक्त टीम द्वारा उनके वीपीएन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें वो निर्माणाधीन मतलब उसमें कार्य चल रहा था, वायरिंग वगैरह है और ये सारी चीजें उसमें भी हो रही थी और अन्य जो है उसमें कार्य चल रहे थे। इसके विषय में मुझे पहले की जानकारी नहीं है। जब मैंने और मेरी संयुक्त टीम में डॉक्टर जटारिया थे, जिसमें उसका निरीक्षण करने पर यही दिखा कि जो है उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, वायरिंग है और भी फर्नीचर वगैरह का कार्य उसमें चल रहा है। अस्पताल के कागज में संचालित होने और उसके रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के आवेदन के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण कराए जाने से भाजपा विधायक विनोद कटियार और उनके परिजन नाराज हो गए और जिसके बाद भाजपा विधायक विनोद कटियार के बहनोई ने सीएमओ को फोन में धमकी दी और सत्ता की हनक दिखाते हुए बिना स्थलीय निरीक्षण कराए अस्पताल के नवीनीकरण करने का दबाव बनाया। जी, जिले में सबसे बड़ा कानपुर देहात जनपद में प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा 120 बेड का चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर है और विधायक जी इसका बिना स्थलीय निरीक्षण के लाइसेंस जारी रिन्यूअल लाइसेंस जारी करने के लिए दबाव बना रहे थे। हमने उसको लाइसेंस निरीक्षण के बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद लाइसेंस जारी करने की बात कही तो इस पर उन्होंने अनैतिक रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाया और वही उनके द्वारा ही नहीं उनके रिश्तेदार जो कि उनके बहनों ही बताए जाते हैं जिनको बाबूजी कह के लोग जो है संबोधित करते हैं उनके द्वारा भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और अनैतिक रूप से दबाव भी बनाया गया। भोगनीपुर से भाजपा विधायक विनोद कटियार अक्सर ही विवादों में रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यही है योगी सरकार का सुशासन, क्या यही है योगी सरकार के फर्जीवाड़े पर रोकथाम की योजना। अब देखना होगा कि सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारियों को सत्ताधारियों की तरफ से धमकियां मिलना आखिर कब बंद होगी, सत्ता के नशे में चूर विधायक और उनके परिजन पर कब कार्रवाई की जाएगी।